खैर ही ही बहुत ना ना इस चीज को को लेके तो आपके सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान और पाकस्तान के तमाम यूथ भी अप्रिशिएट करेगा अब मुझे बताएं अपनी शादी हाँ, अप, हाँ, तो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी तो मुझे नेपाल काठमांडू में आके फोन करना है या जहाँ भी तुम पहुंचो मैं आऊंगा तो मैं रिसीव करने के लिए अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से आप फरार हो गए तो मैं क्या करूंगी वहां अरे मैं पागल लग... का बच्चा मैं फरार हो जाऊंगा सीमा के एक मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी मैं इस उम्र में नौजवान लड़की में हिंदुस्तान आती अच्छी लगूंगी आप आ जाए आपको आने तो की हमारा गाना नहीं बजाया दिल बिल 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 कौन सा गाना है तुम्हारा वो अबे तुम गाने सुनने आए हो मुजरा करने आए हो या क्रिकेट खेलने आए हो यहाँ पे हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका मिस्टर भारत में ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर महविश नाज और इंडियन यूट्यूबर बंटी जी की दोनों के बीच मजेदार और फनी वे में डिबेट हुई है डिबेट के दौरान एक समय पर महविश नाज ने बंटी जी से शादी को लेकर सवाल पूछा कि अपनी शादी कब है महविश नाज ने बंटी जी से उनकी शादी के बारे में पूछा था लेकिन बंटी जी ने बोला हम दोनों की शादी ना तुम नेपाल काठमांडू आ जाओ मैं तुम्हें लेने आऊंगा शो के जरिए बंटी जी ने तो अपनी ओर से महविश को शादी के लिए प्रपोजल भेज दिया है हालांकि दोनों के बीच मजाक मस्ती चल रही थी लेकिन क्या पता ये मजाक कब सीरियस बन जाए और महविश नाजमी से बंटी बन जाए मजाक मस्ती के अलावा दोनों के बीच वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार और पाकिस्तान टीम के बहानों को लेकर भी बातचीत हुई इसके अलावा मोदी जी ने अपने देशवासियों से अपील की कि जो अमीर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बाहर के देशों में जाते हैं वो भारत में ही शादिया करें और भारत के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे इस पर भी दोनों ने बातचीत की है तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में थैंक यू सो मच मंटी जी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर टाइम आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेगम <laughs> मैं सोच रही थी आप कुछ ऐसा बोलेंगे और नीचे कमेंट्स की लाइन लगना शुरू हो जाएगी नहीं ऐसा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आपकी ऑडियंस को भी बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है एक बार गलती से मैंने इनसे बेगम का मतलब पूछ लिया था तो मैंने एक दो बार मजाक में बोल दिया तो ये मुस्कुराने लगी तो फिर मैंने इनको बेगम बोलने लगा तो आज भी देखो बोलते मुस्कुराती अच्छा बंटी जी आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स के ऊपर और सेरेमनीज और डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर जिसको Uh, मन की बात प्रोग्राम के अंदर मोदी जी ने कहा कंडेम किया कि यार ये नहीं होने चाहिए ये नहीं इस वजह से होने चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए इंडिया के और जो बहुत अच्छी सोच है कि इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो शादियों के लिए अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए और डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए डेस्टिनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो बाहर नहीं होने चाहिए हम अपने कंट्री का रेवेन्यू बाहर क्यों जनरेट करवाएं वो विद इन कंट्री रहना चाहिए क्या राय रखते हैं आप इस पे मैं आपको ये बोलना चाहता चाहूंगा जो मोदी जी ने ये बात कही मन की बात के प्रोग्राम में कही और खास तौर से उन अमीरों को टारगेट रख के कही कि जो नेचुरल सी बात है अगर कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में पैसा कमा रहा है हिंदुस्तान का जो पैसा अगर वो और जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं जैसे आप और मैं तो कहीं जा नहीं सकते बाहर क्योंकि हम तो भाई एक शहर से दूसरे शेयर जाके कर लेंगे लेकिन जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं बहुत ज्यादा अमीर होते हैं एक एक शादी में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं वो खर्चा क्या हमारे देश में एक कल्चर बनता जा रहा है एक रिवाज बनता जा रहा है खास तौर से टर्की में जाके वो शादी करते हैं जैसे विराट कोहली अनुष्का ने वो इटली में की थी शादी तो हमारे देश में अमीरों में ये कल्चर बढ़ता जा रहा है कि वो विदेश में जाके शादी कर रहे हैं हालांकि इससे देखो नुकसान कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई तुम कहाँ तुम्हारा पैसा है तुम कहीं भी जाके शादी कर सकते हो लेकिन इससे नुकसान जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का हो रहा है हिंदुस्तान की उन अवाम का हो रहा है जो शादी पे डिपेंड होते हैं कि जिनका काम शादी से रिलेटेड होता है अब वो सारा पैसा विदेशों में जाके उड़ा के आते हैं तो इंडिया से तो नेचुरल सी बात है डॉलर जाएगा लेकिन वहां जाकर जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो अगर हमारे हिंदुस्तान में खर्च किया जाए तो हमारे देश के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा करोड़ों अरबों रुपया अरबों रुपया मतलब पाकिस्तानी भी अरबों रुपया इतना रुपया वो खर्च करते हैं एक शादी के अंदर

तो इसीलिए तो मोदी जी जब 2014 में आए थे और आज नौ साल के बाद मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा चुके हैं वो क्योंकि तो वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं हर चीज की समझ रखते हैं वो ग्राउंड जीरो से आए हैं वो कोई चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए थे मोदी जी वो जमीनी हालात से गरीबी से वहां से आए हुए हैं मोदी जी तो उनको अच्छी तरीके से तो पता, पता है कि किस वर्ग का क्या तकलीफ है खैर बात ही बहुत ही ना इस चीज़ को लेके तो आपके पीएम को ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम यूथ भी अप्रिशिएट करेगा अब मुझे बताएं अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने हाँ अप, अपनी शादी ना हाँ तो अपनी शादी अपनी शादी की हाँ तुम नहीं नहीं आपकी नहीं आपकी नहीं अपनी शादी अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी तुम मुझे नेपाल ने... काठमांडू में आके फोन करना है या जहां भी तुम पहुंचो मैं आऊंगा तुम्हें रिसीव करने के लिए और मैं सचिन की तरह अगर सीमा की तरह अगर मैं अगर मैं अगर सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से आप फरार हो गए तो मैं क्या करूंगी वहां अरे मैं पागल इसलग... का बच्चा हूं मैं फरार हो जाऊंगा सीमा के एक मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी पूरा मीडिया तुमको घेरेगा यूट्यूब से कमाई करोगी आपको पाकिस्तान से लड़की चाहिए तो आना पड़ेगा हम थोड़ी हर कोई सीमा नहीं थोड़ी नहीं, होता नहीं नहीं है आप सीमा भी तो आई है वो तो चार बच्चे लेके आई है दहेज के अंदर और क्या चाहिए तो चार बच्चे थे उसके तो उसको आना पड़ा ना अब मैं इस उम्र में नौजवान लड़की हिंदुस्तान आती अच्छी लगूंगी आप आ जाए आपको आना तो अरे अच्छी बहुत अच्छी लगोगी भले तुम्हारे ऑडियंस से पूछ लो वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भाई कितनी अच्छी लगोगी और रही बात अब वर्ल्ड कप की तो वर्ल्ड कप तो हमने पहले दिन ही जीत लिया था जब हमने पाकिस्तान को पहन दिया था पाकिस्तान की क्रिकेट में मट्टी पर कर दी थी तो हमारा वर्ल्ड कप तो उसी दिन चालू हुआ था उसी दिन खत्म हो गया था और अगर ईमानदारी से जो बात एक क्रिकेट फैन के नाते तो नातेम की टीम की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी भारत की टीम लग दस लगातार मैच जीते हुए फाइनल में पहुंची फाइनल में उस दिन उनका दिन नहीं था वो हार गए लेकिन मैं सच बताऊं भारत की टीम ने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया हालांकि वो इमोशनल तकलीफ होती है कि भाई इतने करीब आके भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए

वो इस जगह पे आए तो अगर वो ये छोटी छोटी बातों में भी अगर वो उन प्रेशर आ जाएगा और, और ये, मतलब प्रेशराइज हो जाएंगे तो फिर लाना था ऐसे खिलाड़ियों को इनको खिलाना ही नहीं चाहिए फिर कि भाई हमारे वहां बहुत सारा क्राउड मिलेगा नीली नीली जर्सियां दिखेगी भाई तुम इंटरनेशनल खिलाड़ी हो भाई क्लब क्लब क्रिकेट खेलने वाले लोग नहीं हो तुम दूसरे मुल्क जाओगे तो वह दूसरे मुल्क के सपोर्टर मिलेंगे ये चीज की तुम्हें आदत होनी चाहिए कि हमारा गाना नहीं बजाया दिल बिल 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 कौन सा गाना है तुम्हारा वो अबे तुम गाने सुनने आए 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 हो 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 मुजरा करने या क्रिकेट खेलने पे मस्जिद वो मैदान के अंदर नवाज पढ़ेंगे अबे नवाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनी हुई है तुम नवाज पढ़ने की जगह पे तो क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट खेलने की जगह पे नवाजे पढ़ते हो हद होती है भाई तुम्हारा रिलीजन है तुम फॉलो करो तुम नवाज पढ़ो वजू करो हमें कोई दिक्कत नहीं भाई वो मैदान है क्रिकेट का लेकिन तुम्हारी पाकिस्तानी टीम की तो दोस्तों अपनी ये वीडियो देखी। से बंटी जी ने तो महविश नाज को शादी के लिए बोल दिया है एक भारतीय से शादी करने में मेहविश नाज का फायदा ही फायदा है एक तो वो भिखारी देश की नागरिक नहीं कहलाएगी एक पाकिस्तानी होने पर दुनिया भर में जो जलालत पाकिस्तानियों की होती है महविश ना को सहनी नहीं पड़ेगी, भारत में अच्छी लाइफ मिलेगी एक महिला होने के नाते उनको पूरा सम्मान मिलेगा इसके साथ ही पूरी उम्र उनके पति की वो एकलोती पत्नी रहेगी तो ये शादी का रिश्ता महविश के लिए अच्छा साबित हो सकता है इसके अलावा महविश ने नरेंद्र मोदी जी ने जो भारतीयों से अपील की उसके लिए मोदी जी की प्रशंसा की हाल ही में मोदी जी ने अपनी मन की बात में विदेशों में होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर चिंता जताई थी एक साल में भारतीय लोग करीब पचास हजार डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं और इसमें करीब पचास हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं मोदी जी ने कहा था जो अमीर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेशों में जाते हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है अगर ये लोग भारत में ही शादियाँ करेंगे तो ये पैसा देश के भीतर ही रहेगा और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही इस वीडियो में वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार को लेकर भी बातचीत हुई फाइनल में मिली हार से भंटी जी के साथ साथ पूरा भारत दुखी था लेकिन फैन से ज्यादा वो खिलाड़ी दुखी थे जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इतने नजदीक जाकर हार गए उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की लेकिन वो दिन ही खराब था उस दिन टीम इंडिया के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था उस दिन जो टीम अच्छी खेली वो जीत गई खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जह भारत